हेलो व्हाट्सअप गाइस, मैं हूं प्रणदित भाई। आज हम खेल जा रहे हैं करियर मोड अपना एंड आज होने वाला एक टेस्ट में, तो सीधा मैच पे चलते हैं। वैसे मुझे एक बात कहनी थी भाई, मुझे पता है भाई तुम लोग करियर मोड की वीडियोस पे जो कमेंट कर रहे हो उसे पता चल रहा है तुम्हें बहुत मजा आ रहा है, तुम्हें बहुत पसंद आ रही है वीडियोस। लेकिन भाई जो व्यूज रहते हैं ना, तुम्हें एक बात बता रहा हूं, यूट्यूब स्टूडियो होता है वो तुम्हें बताता है कि इस वीडियो ने तुम्हारी लास्ट 10 वीडियोस के हिसाब से कैसा परफॉर्म करा, रैंकिंग रहती है एक। तो भाई उस रैंकिंग के हिसाब से जो अभी लास्ट करियर मोड की दो वीडियो थी मैंने जो रिकॉर्ड करी थी वो थी #3 एंड #4 करियर मोड के पार्ट, वो भाई दोनों 10th नंबर पे रैंक करें तो मतलब उन्हें ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है। एंड भाई देखो मजाक से हट के थोड़ा डीमोटिवेटेड लगता है जब ऐसे बार बार लगातार भाई वीडियोस बढ़िया मेहनत से बनाते हैं एंड उतने सपोर्ट नहीं मिलता है ना, व्यूज नहीं मिलता है, थोड़ा बुरा लगता है। तो यार यही कहूंगा, शेयर अगर तुम कर सकते हो बहुत बढ़िया लगेगा। वेल चलो पहले अपनी बैटिंग आई है, सीधा बैटिंग पे चलते हैं। ओके तो भाई 156 हाईएस्ट स्कोर अपना, क्योंकि ये डोमेस्टिक लेवल पे है ना, ये भी क्लब लेवल पे, तो ये अदर में ही गिनता है, T20 हो टेस्ट हो या ODI हो, ये सबको भी एक ही चीज में गिन रहा है। चलो पहली बॉल डिफेंस की कोशिश थी एंड भाई पैड कैडी। वैसे वीडियो का फेवरेट पार्ट ना जरूर कमेंट कर दिया करो, इससे क्या होता है चैनल का भी भाई रिटेंशन वगैरह बढ़ता है, तुम ये कमेंट करते हो उससे। एंड मुझे भी देखो पढ़ता हूँ मैं तुम्हारे सारे कमेंट, मजा आता है देखने में। साहू भाई बॉलिंग करते हुए 3 की अपनी रन रेट चल रही है बढ़िया। एंड यहाँ पे बॉल देखो बिल्कुल मारने लायक थी, शॉट बिल्कुल तकड़ा था पर फील्डिंग भाई कमाल। लियाकत भाई है सामने, 20 ओवर में 61 रन 3 विकेट भाई, मुझे टीम को एटलीस्ट 150 तक तो पहुंचाने को देखना है, मुझे खुद को जब तक मैं आउट ना होता हूँ। वैसे पॉपुलैरिटी देख रहे हो भाई की, भाई अभी क्लब लेवल पे क्रिकेट खेल रहा हूँ मैं, मुझे अभी से ही MRF ने स्पॉन्सर कर रखा है, कितनी मतलब मजे की बात है नहीं ये। वेल क्या शॉट है ये भाई, अब टेस्ट मैच चल रहा है, ये टेस्ट मैच में पहली बाउंड्री छक्का, वो भी इतना जल्दी। एंड हाँ डिफिकल्टी देख लो, वैसे बार बार नहीं दिखाऊंगा, एक ही बार दिखा रहा हूँ मैं, ये देख सकते हो टेस्ट वाला AI है, बैटिंग और फिजिक्स रियलिस्टिक है। टेस्ट मैच में एक बार लास्ट टाइम सेंचुरी आई थी वो मुझे याद है, पर उसके बाद अभी ऐसी कुछ आई नहीं है। वैसे भाई मैं अब तक पर्सनल स्कोर्स के लिए देख रहा हूँ, पर हाँ अब मुझे टीम को भी जिताना पड़ेगा, नहीं तो भाई T20 का तो हमारा भाई पत्ता साफ है, हम खेल ही नहीं सकते हैं फाइनल। पर इन दोनों में भी चांस है, ODI में और टेस्ट में, तो इनमें अच्छा जिताना पड़ेगा टीम को अगर फाइनल खेलना है तो। हाँ तो देखो अगर तुम सोच रहे हो कि फाइनल किस चीज का, तो भाई वो फाइनल है अपना वेस्ट चैंपियनशिप का, WEST वाला वेस्ट, बेस्ट बस समझ जाना, वेस्ट चैंपियनशिप है उसका चल रहा है अपना फाइनल, मतलब होने वाला है, तो उसमें पहुंचने का पूरा भाई ट्राई करना है। ओके तो ऑफ में भाई डीप में फील्डर की कमी है, उधर मारने को देखने वाला हूँ। एंड तगड़ा देखा है भाई इस शॉट में, पावर खतरनाक थी, एक भी चौका नहीं मारा तो छक्के ही मारा है अब तक। भाई साहब क्या ही तो फॉर्म चल रहा है भाई अपना, अरे भाई साहब क्या एक और छक्का, क्या मजाक है ये भाई, ये मजाक हो रहा है सच में, डिफिकल्टी देख लो अपनी वही है, पता नहीं क्या मजाक चल रहा है ये, एक और छक्का। ओके फिर से भाई डीप में फील्डर की मुझे अभी भी कमी लग रही है, मारने जाने वाला हूँ। ओ नहीं नहीं आपकी बार अर्ली खेल बैठे हैं, सीधा आउट भाई LBW। पल 18 में 21 को ना बॉलिंग अच्छी करेंगे। अबे क्लब में भाई DRS का ऑप्शन नहीं होता, मैं नॉट आउट था भाई, विकेट्स मिसिंग थे, आउट नहीं था मैं। ओके 39वें ओवर में भाई हमारी बॉलिंग आई है एंड 143 पे 3 है स्कोर। चलो फील्ड लगाते हैं। चलो भाई फील्ड देख के तुम्हें समझ में आ ही रहा होगा, बिल्कुल ऑफ साइड में रखनी है बॉल, लेग साइड में नहीं देनी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जरा पेशेंस देखना इस देशवाल भाई का, 95 बॉल्स में 27 बना रखा है भाई, ये कुछ ज्यादा ही धीरे है टेस्ट के हिसाब से भी। ये देशवाल भाई जरूर इंडिया का अगला पुजारा है भाई, पक्की बात है ये तो। ओके एज भाई लेग साइड में उसने तो नहीं मारी, पर एज का मिल गया चौका, किस्मत ही खराब हो तब क्या कर सकते हैं भाई। ऑफ साइड में मैंने एज के इतने फील्डर लगा रखे हैं, पर भाई का एज भी लगा ना लेग साइड में, चलो कोई ना एज लगा, क्या पता भाई ऑफ साइड में भी थोड़ा एज वेज लग जाए। ओके आप तो लीव ही करेगा भाई, अब तक मैंने सारी बॉल आउट स्विंगर डाली है, ये एक अचानक से स्विंगर डालने वाला, देखते हैं क्या होगा। वेल इस पे डिफेंस करा भाई ने, डिफेंस का सिंगल। चलो ये ऑफ कटर रहने वाली है, इसे स्लोअर रख देते हैं ताकि कट ज्यादा हो पाए। हैंड भाई विकेट में थी सीधी, अच्छा डिफेंस था ये। ओके नया स्पेल हमारा, पिछला वाला कुछ ज्यादा ही जल्दी काट दिया भाई, 2 ओवर देके स्पेल काट दिया, क्या मजाक है। चलो कोई ना, 2 ओवर में 6 रन दिए थे, अब हमारा नया स्पेल आया 64th ओवर में, एंड 64th ओवर है शायद थोड़ा रिवर्स स्विंग देखने को मिले भाई, बॉल की कंडीशन तो है रिवर्स स्विंग लाइक, एक बार ट्राई करते हैं, चलो देखते हैं रिवर्स स्विंग मिलता है तो नॉर्मल पेस रखेंगे ना, नहीं है। एक आइडिया है मेरे पास भाई, सारी बॉल में एक ही लेंथ पे रखने वाला हूँ, वो स्टैंडर्ड बिल्कुल सीधी जाएंगी, फिर एक अचानक से उसी लेंथ पे मैं ऑफ कटर डाल दूंगा, मजे आएंगे, इस पे चांस है विकेट मिलेगा भाई, लगातार 3-4 बॉल डालेंगे स्टैंडर्ड, फिर डालेंगे वो। ओके भाई खेल रहा है, मुझे लगा नहीं था ये खेलने को जाएगा भाई, टेस्ट मैच है, यहाँ पे भी स्लोअर बॉल ही रहने वाली है, देखते हैं।
ओके ये बेकार बॉल हो गई यार, ये थोड़ी लेग साइड में हो गई, चौका इजी मिलेगा। चलो भाई पुराना वाला अपने प्लान पे वापस आ जाते हैं, वही आउट स्विंगर वाला यहाँ पे नॉर्मल पेस में डालेंगे एंड बढ़िया बॉल। अब यहाँ पे बार बार ये जो सिंगल ले रहे थे ना वो ब्लॉक कर दिया मैंने, अब इन्हें शॉट खेलने को ही जाना पड़ेगा अगर रन बनाने हैं तो। एंड क्या बीट कराइए, बहुत तगड़ा बीट करा था, अगर वैसा एक और बार कर पाते हैं तो मजे आने वाले हैं। वेल भाई करा है एक और बार बीट, वापस एक आउट स्विंगर रहेगी एंड ये थोड़ी स्लो एंड इस पे भी बीट। भाई कितने बीट होगा, लियाकत भाई को लगातार पिछली 3 बॉल से बीट करा यार, ये विकेट में डिजर्व करता हूँ भाई। ओके लगातार 3 बॉल से बीट करा, फिर ऑफ स्टंप उड़ा दिया भाई, ये हुई ना बात, ये डिजर्व करता था ये विकेट में एंड बढ़िया गिल्लियां उड़ाई, क्या ही तो मस्त बोल्ड मारा भाई, मजे आ गए। चलो जो भी है टुडू भाई आए हैं, टुडू भाई को पहली बॉल आउट स्विंगर एंड बढ़िया डिफेंस। त्रिपाठी भाई है सामने, 31 गेंदों में 18 बना रखे हैं, सही है एंड बहुत बढ़िया भी। तो ये एक ऑफ कटर रहने वाली है, स्लोअर रहेगी एंड इस पे अच्छा स्ट्रेट में शॉट खेला है पर फील्डर के हाथ में, क्या ये ओवर हमारा मेडन निकल सकता है भाई। 4 बॉल में एक भी रन आया नहीं है, 5वीं बॉल यहाँ पे एंड उस पे भी नहीं आया। चलो ये ओवर मेडन निकलने के चांसेस हैं, लास्ट बॉल बची ओवर की, अब तक एक भी रन नहीं आया है एंड नहीं आएगा भाई, मेडन ओवर बढ़िया। मैंने अभी विकेट लिया है तो मुझे थोड़ा चांस और देने वाले हैं यार, इस ओवर में एक और विकेट मिल जाएगा मजे आ जाएंगे। ओ यहाँ पे अच्छा शॉट खेला, अरे भाई साहब मेरे और फील्डर के टक्कर हो गए रोकने में। लास्ट बॉल ओवर की, टुडू भाई का विकेट है, ज्यादा लेने का चांस है, यॉर्कर के ले जाने वाले हैं एंड ना भाई इजी सिंगल। ओके तो भाई मेरा स्पेल वहीं पे काट दिया उन्होंने, हम आए हैं 30.3 ओवर में, 105 पे 3 स्कोर है एंड फिर से मेरे साथ ललित भाई खेल रहे हैं, 43 गेंदों में 22 रन बना रखे हैं उन्होंने। पहली बॉल हमारी बढ़िया डिफेंस की कोशिश पर पैड पे, देखते हैं भाई ज्यादा एरियल शॉट्स जो है वो मैं खेलने को नहीं देखने वाला हूँ, अगर एक 50 हो जाती है तो बहुत अच्छा रहेगा। ओके ये स्ट्रेट शॉट खेला है, दिखने में तो अच्छा, ये चौका नहीं मिलेगा पर हाँ डबल के लिए तो देख ही लेंगे। तो वैगनर भाई अबे राजस्थान में कौन वैगनर, भाई कहाँ से नाम ले आते हो यार तुम लोग ये। वेल चलो जो भी है, यहाँ पे बढ़िया कवर ड्राइव खेली है भाई ने, चौके का चांस है, चौका मिलेगा भी कवर ड्राइव का, देखते हैं। थोड़ा गैप में मारने की कोशिश करने वाला हूँ, रिस्की रहने वाला है ये बहुत। वेल गैप में गया भी नहीं, विकेट भी खो दिया मेरे सामने वाले का, ललित भाई को रन आउट करा दिया, तो भाई उनके हिस्से के रन मुझे ही बनाने पड़ेंगे। वेल सपोज करते हैं कितने रन और बना लेते वो, चलो एक रन और बना लेते वो, चलो यहाँ पे बढ़िया सिंगल लिया एंड उनके हिस्से के रन हमने बना लिए। वैगनर भाई वापस, 7 ओवर में 17 रन दिए, बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल एंड गलती से सीधा हाथ में खेल दी ये इनिंग्स तो पिछली से भी ज्यादा बकवास। चलो कोई बात ना, बॉलिंग में ही कमाल करने की कोशिश करेंगे। ओके तो अब की बार कैप्टन ने जल्दी ही लाया मुझे एंड अब टीम की हालत तो अच्छी है नहीं, अब तक तो एक विकेट मिला है नहीं एंड एक विकेट चाहिए भाई, जल्द से जल्द विकेट के लिए देखना होगा यहाँ पे, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है मेरी टीम के लिए। स्लोअर रखने वाले इस बॉल को भी, 3 बॉल में अब तक एक भी रन दिया नहीं है एंड एज तो अड़वाया पर कुछ फायदा नहीं। आउट स्विंग रखने वाले इसको, भरत भाई का एज अड़वाया था, क्या एक और बार अड़वा सकते हैं। वेल ना 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 ये गलत लाइन हो गई क्योंकि रिलीज वीक था एंड इजी चौका। वैसे ये मैच तो नहीं जीतने वाले भाई, 79 का टारगेट है और इसका फाइनल मुझे लगता नहीं हम खेल पाएंगे, सेकंड नंबर पे थे पर इस मैच को हारने के बाद नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे वापस से एक ऑफ कट डाल रहा हूँ पर इसको धीमी की जगह तेज रखेंगे चलो एंड इस पे शॉट खेला है भाई ने इजी चौके के लिए। यार भरत भाई ने तो चौका मार के ईगो हर्ट कर दिया, अरे ये गलत बात है भरत भाई, देखो ओ भाई साहब क्या बीट कर रहा है उसके बाद। ओके यहाँ पे भी भरत भाई है हमारे सामने, देखते हैं भरत भाई का विकेट मिलता है तो बहुत बढ़िया रहने वाला है। यहाँ पे अच्छा शॉट है यार, कितना फाइन खेल दिया है चौके के लिए। इन स्विंगर आने वाली है सीधा स्टंप्स में, क्या डिफेंड कर पाएंगे ये। वेल डिफेंड करने का प्लान ही नहीं था भाई का, चौका मारने का प्लान था। आउट स्विंगर डालने वाले हैं ये वॉरियर भाई, जो है थोड़ा मारने को देख रहे हैं इस मोमेंट पे, देखा बोल रहा हूँ ना मारने को देख रहा है ये बार बार। वॉरियर का विकेट मिलना ज्यादा आसान रहने वाला है, वो बार बार मारने को देख रहा है तो उसका आसान है विकेट मिलना। वेल ये शॉट तो ये भी अच्छा था एंड ये इजी चौका भी होगा। ओके ये प्रोबेबली मेरा लास्ट ओवर है क्योंकि 5 रन तो मैं दे ही चुका हूं एंड एक भी विकेट लिया नहीं है, तो हाँ भाई कैप्टन नहीं देने वाला मुझे ओवर। चलो वेल प्रोबेबली लास्ट ओवर की ये लास्ट बॉल है, इस ओवर से 5 रन आ गए हैं। लास्ट बॉल पे डिफेंस कराए एंड सिंगल लेने की कोशिश है एंड अभी गया। मैंने बोला ही था भाई प्रोबेबली लास्ट ओवर एंड वो प्रोबेबली नहीं, वो सच में लास्ट ही निकला। 9 विकेट से जीत गया ये मैच ये सामने वाली टीम। चलो मैं आपको रैंकिंग वगैरह दिखा देता हूँ। टेस्ट मैच हुआ था हमारा एंड टेस्ट मैच में यस भाई मैंने बोला ही ना, रैंकिंग हमारी गिर गई है, थर्ड पे आ गई है।
हमें सेकंड पे बने रहना है अगर हमें फाइनल खेलना है तो पहले T20 मैच है वो भी खेल लेते हैं। कैप्टन भाई ने जीत के बैटिंग ली एंड हमेशा की तरह बेकार बैटिंग करके हमारी मतलब टीम बेकार बैटिंग ही करती है, पता नहीं T20 में क्या हो जाता है टीम को। 10 ओवर में 57 रन पे 3 विकेट एंड अब की बार मुझे लास्ट T20 मैच जैसा नहीं खेलना, मैं बहुत धीमा खेला था, मैं अब की बार तेज खेलने की कोशिश करेंगे। पहली बॉल उसको मिस करा गोपाल भाई, मैं खुद का टारगेट बना लेता हूँ कि भाई मैं हर 10 गेंदों में मुझे 17-18 रन तो बनाने हैं एटलीस्ट। वेल ये ड्राइव सच बता रहा हूँ बहुत अच्छी थी एंड आउट होते होते बचा हूँ मैं, वेल कैसे तो पर सिंगल मिल गया। कुछ अच्छी इनिंग्स खेलो भाई, ये T20 है इसमें उल्टा सीधा कैसे भी खेलो बस खेल दो अच्छी इनिंग्स। देखते क्या बॉल आने वाली है। ओके ये शॉट इतना अच्छा था नहीं, इस पे फिर भी सिंगल मिलने वाला है। ओके तो मे बी भाई यहाँ पे चौके मारने थोड़े आसान रहने वाले हैं ऑफ साइड में, देखते हैं ट्राई करेंगे। ओ डैम क्या बचा हूं मैं, ये चिप शॉट खेलने को देखने वाला हूं मैं सामने की तरफ, वहां पे चौके के थोड़े अच्छे चांसेस रहते हैं। ओके ये अच्छा शॉट है, ये फील्डर से दूर है ये चौका है। मुन्ना वीरा भाई है यहाँ पे तो मुन्ना वीरा भाई को क्या खेला जाए, पीछे की तरफ में भी ओके बॉल वैसी आई थी तो शॉट तो खेलना बनता ही था, पर चौका नहीं मिल पाएगा डबल मिल जाएगा। वैसे ये बात तो माननी पड़ेगी भाई मेरे साथ जो वो दलित खेल रहा है वो अच्छा खेल रहा है, दलित नहीं ललित नाम है उसका, हाँ ललित खेल रहा है वो अच्छा खेल रहा है। 28 बॉल्स में 48 बना रखा है तो मेरे हिसाब से अच्छा ही है, ऐसे मिस ना करो यार, मतलब उसने रन भी 40 बनाए तो अच्छे हैं एंड स्ट्राइक रेट भी अच्छा है तो मे बी वो भाई फास्ट 50 ऐसा कुछ मार सकता है, ट्राई करेंगे उसको स्ट्राइक देते हैं। चलो यहाँ पे मैं शॉट खेलना चाहता नहीं था पर हाँ स्ट्राइक दे रही थी उसको दे दिया सिंगल के साथ। मैंने भाई की इतनी तारीफ क्या करी, भाई आउट ही हो गए यार, गजब मतलब बहुत ज्यादा गजब और क्या ही बोलूं मैं इस पे। दो बॉल पे एक भी रन आया नहीं है, रनों की जरूरत है तो सामने की तरफ चिप शॉट खेलने को देखेंगे, अगर बॉल सही आती है तो वेल ठीक ही आई है, नहीं खेल पाए। खेल ले यार 13 बॉल में, मैं T20 में आके इतना धीरे क्यों हो जाता हूँ यार, इससे तेज तो मैं टेस्ट में खेल रहा था लिटरली। देखो अब की बार लेट टाइमिंग हो गई, लाइटिंग में आपको भाई थोड़ी दिक्कत दिख रही हो तो उसके लिए माफ करना, क्या लाइट चली गई है तो हो सकता है आपको दिक्कत दिख रही हो थोड़ी, पर हाँ एडजस्ट कर लेना। यहाँ पे शॉट इतना अच्छा है नहीं तो उससे सिंगल ही मिलेगा, आउट हो जा भाई चाहे से तू मारने में आउट हो जा पर चौके छक्के मारने का ट्राई तो कर एटलीस्ट, और कोई चांस ही नहीं आ रहा तो चौके छक्के मारे आउट। ओके ऐसे ना, ये हुई ना बात भाई, मुझे मोमेंटम तो हमेशा फाइन लेग पे ही मिलता है। लास्ट बॉल ओवर की यहाँ पे पीछे की तरफ फील्डर के हाथ में खेल देंगे सिंगल के लिए, बढ़िया। ओके यहाँ पे शॉट की टाइमिंग बहुत अच्छी थी पर हाथ सिंगल मिल जाएगा। तो चलो 18 बॉल बची है, देखते हैं 18 में से मुझे कितनी मिलने वाली है, जितनी मिलने वाली है उस पर रन कितने बनने वाले हैं, 30+ रन तो मुझे बनाने हैं भाई। ओके ये शॉट शानदार है, इस पे चौका लिखा हुआ है, मतलब इसमें और कुछ भी नहीं बस बैट का फ्लो देखना तुम एक बार, कितना स्मूथ है भाई लिटरली। मंडल भाई तो अपने ओपी है भाई, मंडल भाई ही हैं जो मुझे थोड़ा बहुत मोमेंटम दे के जाते हैं, और तो सब भाई बेकार आदमी है, सब दुनिया बेकार है भाई। पर यहाँ पे भी अच्छा शॉट है, ये भी फील्डर से दूर हो सकता है एंड ये चौका नहीं हो पाया, अच्छी फील्डिंग आखिर में, पर डबल मिल जाएगा, चौका लिखा हुआ था उस शॉट पे पर रोक लिया भाई ने यार, ये मंडल अलग ही है। चलो कोई ना, अब की बार मैं लॉफ्टेड के लिए जाने वाला हूँ बिना चिप शॉट के। अब ये कैसा लॉफ्टेड होता है, फाइन लेग पे जाए क्या यार लॉफ्टेड मारने के लिए, चलो सामने ही चिप शॉट खेलेंगे और सब छोड़ो। देखा सामने चिप शॉट जब अच्छा लगता है तब तो कोई चौका जाने से रोक ही नहीं सकता, स्पिनर के खिलाफ अब मेरा मेन वेपन जो है ना वो यही है भाई, चिप शॉट बहुत बढ़िया लगता है स्पिनर के आगे, पता नहीं फॉर सम रीजन क्या क्या है मुझे भी नहीं पता। ओके तारीफ करनी जरूरी थी ना, क्लासन भाई यहाँ थोड़े बहुत रन तो खा जाओ, क्लासन भाई क्या करोगे रन नहीं खा के, क्या रखा है दुनिया में, छोड़ो ना यार। हाँ ऐसे ना, अबे नहीं 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 भाई, गुड आइडियल शॉट था यार, मजाक कर लेते हो यार, आराम से चौका जाना चाहिए था ये भाई। पहली बार मुझे मेरी टीम की तारीफ करनी पड़ेगी बॉलिंग में, 6 ओवर में 32 रन पे 3 विकेट ले लिया भाई मेरी टीम ने, बहुत बढ़िया बॉलिंग करी है एंड मैंने आते ही क्या बॉलिंग करी है भाई, ऑलमोस्ट कैच, राहुल सिंह है सामने उन्हें भाई यॉर्कर डालेंगे वो भी फास्ट। चलो ओके इस पे अच्छा शॉट खेला चौका भाई, मेरी बैटिंग तो खराब हुई है, बॉलिंग खराब मत होने दो, लेग कटर रहने वाली है, स्लोअर रहेगी ताकि ज्यादा कट मिले बॉल को एंड बढ़िया शॉट पर उतनी बढ़िया फील्डिंग। वैसे तो 79 में 102 चाहिए इतना मुश्किल है नहीं, पर जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से तो नहीं बनने वाले हैं ये। अब मैं ही क्यों पिट रहा हूँ यार, एक और चौका, बाउंसर डिलीवरी डालने वाले यहाँ पे, स्लोर रहेगी आराम से खेलो। ओके आराम से एज लगवाया, चलो एक और बाउंसर डालने वाले, लगातार 4 डिलीवरी डॉट डाली है यहाँ पे जो कि बढ़िया ही है एंड ये भी एज भाई, कितने एज, यहाँ पे रन आउट चांस नहीं हो पाया, एक भी रन नहीं आया, क्या T20 में मेड इन ओवर डालने वाला हूँ, देखते हैं लास्ट बॉल अपनी एंड ना यार लास्ट बॉल पे चौका। चलो कोई ना, मंडल भाई है सामने, 10 गेंदों में 9 रन बना रखे उन्होंने एंड यहाँ पे एज,
का चौका यार, एज के चौके भाई, अभी मेरी बॉलिंग खराब चल रही है, उसमें तो एज के विकेट दो यार, चौके से क्या, एक और एज भाई, कितने एज लगवाते हो। इन स्विंगर डिलीवरी रहने वाली है, मंडल भाई अपने सामने, फास्ट रहेगी एंड अच्छा शॉट था, ये गैप में है एंड चौका है। अभी रिसेंट टाइम में ज्यादातर मेरी बॉलिंग अच्छी हो जाती है, पर यहाँ पे बॉलिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं, 2.4 ओवर में 22 खा चुका हूँ मैं ऑलरेडी एंड ये भी फिर से सिंगल। चलो भाई लास्ट बॉल है अपनी, इसको ऑफ कटर रखने वाले हैं एंड स्ट्रेट में खेल लिया, डॉट रहेगी। चलो भाई तीन ही ओवर दिए, चौथा ओवर दिया ही नहीं हमें भाई, वो डीयू टीम जीत गई अपने 5 विकेट से, T20 में तो अपना पत्ता साफ है। चलो कोई बात ना, मजा आया होगा ना वीडियो में, मजा आया ना लाइक कर देना, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।